मेरा नाम रेखा निनामा है। मैं झाबुआ जिले की जनपद पंचायत थानला के गांव है कुकड़ीपाड़ा, वहां की निवासी हूं। मैं यहां पढ़ाई, यहां मतलब ये गांव मेरे से इतना जुड़ा है, इस गांव की मिट्टी और ये घर और मेरी माँ से मैं इतना प्यार करती हूं, इतना कि मैं इंदौर रहती हूँ, पढ़ाई के लिए इंदौर चली गई, उसके बावजूद भी मेरी माँ से मैं मिलने के लिए आती हूँ। और इस गांव में मेरी जवानी और बचपन दोनों रहा, इस गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। और मैं यहाँ मतलब आती हूँ, 10-15 दिन में आती हूँ, तो गांव वाले मुझे काफ़ी समस्या बताते हैं, रोड की, पानी की, उनको बुजुर्ग की जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है, उसके बाद रोड के कई मुद्दे हैं, जो कागज़ों पे रोड बन गए, पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन, सब लोग मुझे समस्या बताते हैं कि ये नहीं हो रहा है। तो इनकी जो कहानी मुझे सुन के बहुत बड़ा दुख होता है कि मतलब इनको मकान नहीं मिल रहे, पेंशन नहीं मिल रहे, और पेंशन आती है वो भी कट जाती है, उसके बाद रोड और पानी में खुद आती हूँ गांव में, तो मैं मोटर चलती है यहाँ पर, तो मैं खुद पानी भरने जाती हूँ, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और लाइट नहीं है, दो दो तीन तीन घंटे करना पड़ता है, यहाँ पर हेडपम्प नहीं है। उसके बाद मैं इंदौर में रहते हुए भी गांव वालों की समस्या सुनती हूँ और महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ, उनको शौचालय के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। उसके बाद समूह में भी काम करती हूँ कि महिला सशक्त हो और योजना का नाम ये लाभ ले। और मैं काफ़ी मतलब पीएससी मेरा टारगेट है, 2 बार मैं सिलेक्टेड रही हूँ, 2017-18 में मेरा प्री निकला, मेन से कुछ नंबर से रह गया, और मैं ये लड़ाई तब तक लड़ती रहूँगी जब तक ये गांव वालों को न्याय नहीं मिले। मैं हमेशा ऐसी आवाज़ उठाती हूँ जहाँ भ्रष्टाचार होते हैं, वहाँ की मतलब इनको जो समस्या है, वास्तविक इस गांव की क्या समस्या है, इन समस्या को दूर किया जाए। हम लोगों को कोचिंग पर भी यही सिखाते हैं सर कि आप मतलब पढ़े लिखे हो के अपने गांव में जाकर जागरूक करो लोगों को, वहां पर भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे, उनको योजनाओं का लाभ दिलाओ और ये करो, तो हमको भी यही सिखाते, इसलिए मेरा जुनून है कि मैं समाज सेवा करूं, लोगों को जागरूक करूं, ताकि हमारा आदिवासी जो समाज है वो इतना पिछड़ा है, इतना काफ़ी गंभीर समस्या से मतलब जूझ रहा, किसी के मकान नहीं बने, कोई वास्तविक गांव की स्थिति देखा जाए तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा, ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसी कंडीशन है। और जहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, रोड पे नहीं देते हैं, पेंशन पे नहीं देते हैं, और मकान की ये कुछ भी नहीं देते हैं, इसलिए मैं ये लड़ाई तब तक लड़ती रहूँगी। अभी रोड का जो कागज़ पे बन गया है 12,96,000 रुपये का आया, और कागज़ पे ऐसी कई सारी चीज़ें मतलब दिखा रहा है, ऑनलाइन मैं चेक करती हूँ, लोग समस्या बताते, तो वास्तविक ये पता चलता है कि गांव में कितना भ्रष्टाचार हो रहा, मतलब लोग ऑनलाइन तक चढ़ा दिए कि इनकी पेंशन मिल गई, इनका मकान बना दिया, लेकिन वो वास्तविकता में कुछ नहीं विकास हुआ। और ये लड़ाई में हमेशा लड़ती रहूँगी। मैंने 181 मुख्यमंत्री समाधान पर भी मैं फ़ोन लगाए हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जन सुनवाई झाबुआ कलेक्टर को भी आवेदन दी हूँ, 15 दिन हो गए, तब तक फिर भी मतलब अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं कोशिश करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, उनसे शिकायत करूँ, अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करूँगी कि मैं उनसे ये करूँ शिकायत और हमारी समस्या का समाधान हो, और जब तक न्याय नहीं मिले तब तक मेरी कोशिश पूरी जारी रहेगा लड़ने के लिए।